क्या चाहते हो तुम? इस घर की इज्जत को मट्टी में मिलने दूं? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। जो भी मतलब था, मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक वो आ नहीं जाती। You are so sweet, Safina. I know. लेकिन तुम तो सदा के ही सुस्त हो। तुम्हारा लंच भी मुझे ही ऑर्डर करना पड़ता है। आपका लंच भी ऑर्डर है। वो इसीलिए तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम हो ना? हाशिम भाई के घर वापस आने से खाला कितनी खुश है ना। मुझे तो यकीन नहीं आता कि हाशिम भाई ने मुझे इतनी जल्दी माफ कर दिया। वैसे सबा भाभी की वजह से हाशिम भाई बहुत नाराज है। वो तो उस वक्त भी अकीला भाभी पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। मैं आपसे बात कर रही हूँ सारम, आप सुन तो रहे हैं ना? क्या जवाब दूं मैं तुम्हारी इन बातों का? तुम भी तो उनकी हामी थी। मैंने तो सिर्फ उनके भले के लिए बात कही थी। मुझे क्या मालूम था कि हाशिम भाई को ये बात इतनी बुरी लग जाएगी। जो होना था हो चुका, अब फजूल में अपना दिमाग चलाने का फायदा? मुझे क्या जरूरत पड़ी, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी आपसे। मत करो, और अगर करनी है तो मेरी और अपनी बात करो, किसी और की नहीं। आपके पास वक्त है मेरी बातें सुनने के लिए? अगर हमारी बातें करोगी तो वक्त ही वक्त, वरना मुझे माफ करो। अच्छा सुनो, तुम्हारी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कब है? अपॉइंटमेंट मेरी? हाँ, रूटीन चेकअप नहीं होता? हाँ रूटीन चेकअप। हाँ चलो एक काम करना, मैं सुबह ऑफिस जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाना, तुम्हें साथ डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अरे आप क्यों इतनी तकलीफ करेंगे, मैं अम्मा के साथ चली जाऊंगी। देख लो, फिर बाद में मुझे नहीं कहना कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। नहीं बिल्कुल नहीं कहूंगी। चलो ठीक है, चली जाना अम्मा के साथ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं इस मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं चेंज करके आता हूं।
सबा सबा, इतनी चुपचाप क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मेरे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। चलो बताओ। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। भाई अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इतनी चुपचाप क्यों हो? लगता है जैसे पूरी रात से सोई नहीं। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आदत नहीं है ज़्यादा बात करने की। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना मूड लंच तक ठीक कर लेना, क्योंकि आज मेरी बर्थडे है और मैं तुम दोनों को अभी से इनवाइट कर रही हूँ लंच के लिए, और कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी। हैप्पी बर्थडे सफीना। अरे ये विशिंग तुम मुझे लंच पर देना, अभी काम करो, वरना अगर आफंदी साहब ने हमें यूं गपशप लगाते हुए देख लिया ना तो एडवांस में कॉल कर देंगे। यूं ही मुस्कुराती रहा करें, अच्छी लगती है। अरे बुझाओ तो सही, मेक अवे। हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे सभी ना केक पर इतनी कम कैंडल्स देख के तुमसे पूछना तो जरूर है कि हम तुम्हारे कौन से सालगिरह मना रहे हैं। पर प्लीज हमारी ये एक्ट्रेसेस की तरह सच मत बोलना। मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं कोई एज कॉन्शियस हूँ। वो काइंड इनफॉरमेशन कि लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछी जाती। बकवास, मैं नहीं मानता। दुनिया की हर लड़की अपनी एज के बारे में कॉन्शियस होती है, और जो कहती है कि वो नहीं है वो यकीनन झूठ बोल रही होगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है नन्नी काकी बनने की, और वैसे भी मुझे जरूरत क्या है? आई एम एंगेज्ड एंड आई हैव वेरी हैंडसम फियांसे। पर बड़ा अफसोस है मुझे उस बेचारे पे। आज रात के डिनर और तुम्हारे गिफ्ट पर उसके पूरी महीने की सैलरी तो जाया हो जाएगी। You are so mean, Faris. तुम मेरे दोस्त हो या फिर रामेश के? देख रही हो सबा, दोस्त मेरा है और साइड मेरे मंगेतर की ले रहा है। कर रहा केक खाए। हाँ केक खाओ आप लोग। अच्छा मेरे केक की वजह से जरा हाथ गंदे हो गए तो मैं वॉश करके आ रही हूँ, ठीक है? आप लोग जब तक बातें करो। अरे समन तो अकेली आई हो? अकेली और छुपकर। छुपकर क्यों? तो और क्या करूं अम्मा, सबको बता कर आऊं कि मैं आपके पास इस मसले का हल लेने के लिए आ रही हूं जिसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। क्या ऑल फॉल पक रही हो, हुआ क्या है? होना क्या है अम्मा, सारिम की इस बच्चे की तरफ केयर देख के मेरी सांसें रुक जाती हैं। क्या कहा है उसने? अम्मा सारिम बच्चे की तरफ से कोई भी गफलत बर्दाश्त नहीं करेगा। अम्मा ये डर मुझे मार डालेगा, आप कुछ करें प्लीज। मत से काम लो मेरी बच्ची, इस तरह करोगी तो कुछ नहीं होगा।
क्या मुझे सभा से बात करनी चाहिए? आखिर वो किसके साथ थी? सभा, क्या बात है सारे? तुम इस वक्त? आपसे कुछ पूछना था। आप रेस्टोरेंट में आज किसके साथ? क्या मतलब है इस बात का? शक कर रहे हो मुझ पे? शक नहीं कर रहा, सिर्फ पूछ रहा। कौन था वो? तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह के सवाल जवाब करने वाले? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझसे इस तरह के सवाल करने का। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था सारे, आइंदा मुझसे इस तरह के सवाल मत करना। मैं तुम्हारे सामने कोई सफाई पेश नहीं करूंगी। ये समन जब से आई है कुछ ज्यादा ही मीठी बातें नहीं करने लगी। ना सारिम से इसका झगड़ा हुआ, ना मुझसे की उल्टी सीधी बात की। सभा सुफियान के साथ भी बिल्कुल ठीक है। पता नहीं मुझे इस लड़की की कुछ समझ नहीं आती। अजीब मिजाज की है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। तुम अभी उस पर शक कर रही हो? शक करने वाली कौन सी बात है? अब दिलों का हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है। खामखा वहम पाल रही हो। वहम की क्या बात है? आप खुद नहीं देख रहे बानो खाला कितने चक्कर लगा रही है आज के घर पे? दोनों दरवाजे बंद करके पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती। खैर, दोनों माँ बेटियों को उनके हाल पे छोड़ दो, उनका कोई इलाज नहीं है। बस भाई मैं तो जा रहा हूँ सोने। मिस सभा, ये रिपोर्ट आपने तैयार की है? जी सर। मिस सभा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसमें इतनी गलतियां कि मेरे पास लाने से पहले आपको खुद इसे चेक करना चाहिए था, फिर आपको लेकर लाना चाहिए। सर, आई एम रियली सॉरी, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। वेरी सॉरी सर। देखिए मिस सभा, हमारी एनजीओ बहुत ही अहम और हसास इश्यूज पर काम करती है। आपकी जरा सी गलती एक बहुत बड़ा ब्लेंडर क्रिएट कर सकती है। और आई एम सॉरी सर, मैं बाद में आता हूँ। सर, आई एम रियली सॉरी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। जाइए जाइए, इसे ठीक करके लाइए। और हाँ, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, यू मे गो नाउ। जी सर। चाय। इट्स ओके, ऐसी गलतियां होती रहती हैं। चाय पीजिए, ज्यादा परेशान मत होए, मैं ये रिपोर्ट ठीक करने में आपकी हेल्प कर दूंगा। वैसे समझ नहीं आता कि आपसे इतनी सारी गलतियां हो कैसे गई। आप ठीक तो है ना? जी जी, मैं ठीक हूँ। सॉरी, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, लेकिन सुबह से आप काफ़ी परेशान और डिस्टर्ब सी लगते हैं। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही हो और आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है भाई, आप कहती हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन ये फाइल मुझे दे दीजिए, ये मैं कंप्लीट करूँ। नहीं नहीं, आपको बिला वजह जहमत होगी फारिस, मैं कर लूँगी। मुझे पता है आप ठीक हैं और आप ये कर भी लें, लेकिन ऐसे छोटे से काम में कौन सी जरूरत। ओके, चाय पे। ये लीजिए। जीती रहो समन। बहुत देर हो गई, सभा अभी तक नहीं आई। आ जाएंगी खाला, ऑफिस में दिल लग गया होगा ना। क्या मतलब?
मेरा मतलब है कि काम में दिल लग गया होगा, और काम करते वक्त वक्त का अंदाजा किसे होता है? ऑफिस के काम तो ऐसे ही होते हैं ना। अच्छा खाला, मैं जरा किचन देख के आती हूँ, सारे काम उन पर आ गए हैं। जा, जा शाबाश। अरे सबा, सबा ये ओके, आप ठीक तो है ना? जी जी मैं ठीक हूँ। सबा बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, प्लीज इनकार मत कीजिएगा, आइए बैठिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं फारिस मैं ठीक हूँ। सबा प्लीज आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। सबा प्लीज आइए आइए। खाला, सबा भाभी किसी गैर लड़की के साथ? आओ मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वक्त देखा है तुमने अम्मा? वो खाला, इनसे पूछें कि ये किसकी गाड़ी में घर आई हैं, कौन था वो लड़का, और ये क्यों उसके साथ इतना हंस हंस के बातें कर रही थी। ये क्या बकवास है समर? मैं जो बकवास कर रही हूँ ना, वो खाला ने अपनी आंखों से देख लिया है। अम्मा वो लड़का कौन था? वो लड़का अम्मा वो फारिस है, मेरे साथ काम करता है, मेरा कोलीग है, और कुछ भी नहीं। चार दिन हुए नहीं आपको ऑफिस जाते हुए, और आपके कोलीग्स आपके घर तक आने लगे। वाह भाभी क्या बात है आपकी। वैसे आपको ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई थी उसके साथ घर आने की कि आपको मोहल्लेदारी का भी एहसास ना रहा? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए फारिस मुझे यहाँ तक छोड़ने आया था। मैं सच कह रही हूँ अम्मा, मेरी तबीयत की वजह से वो यहाँ तक आया था। तबीयत? आपको देखकर लगता तो नहीं कि आपको कुछ हुआ है अम्मा? आपको यकीन नहीं है मेरी बात पर? सबा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। किसी को भी आपकी बात पर यकीन नहीं है भाभी, आपके आंसू भी आपको बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। बहुत बुरा लग रहा है मुझे अम्मा, आपको पता है इतनी खफा थी, रात का खाना भी नहीं खाया उन्होंने बेचारी ने। सबा कैसे हमारे एतमाद को ठेस पहुंचा सकती है? कहा था मैंने अम्मा को कि उसे नौकरी की इजाजत मत दे। अच्छी तरह जानता हूँ कि दफ्तरों में काम करने वाले लड़के लड़कियां दोस्ती के नाम पे क्या क्या गुल खिलाते फिरते हैं। भरोसा कर लिया उस पर, नहीं मानी ना मेरी बात, अब देख लिया अंजाम। कई अम्मा को गलत फहमी तो नहीं हुई? गलत फहमी? तुम इसे गलत फहमी कहती हो? अम्मा ने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए मैं औरतों की पढ़ाई और नौकरी के सख्त खिलाफ हूं। घर से बाहर निकलकर पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती फिरती हैं, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं होता इन्हें। औरत की इज्जत और तहफ्फुज़ सिर्फ घर की चार दीवारी में होता और कहीं नहीं। अम्मा को अब फैसला करना पड़ेगा, अगर उसे इस घर में रहना है तो हमारी मर्जी के हिसाब से, शराफत और इज्जत के साथ। हाशिम भैया कहाँ जा रहे हैं? अभी मुनासिब वक्त नहीं है बात करने का, जो भी कहना सुबह कह दीजिए। खून खोल रहा है मेरा, अगर वो लड़का मेरे सामने आ जाए ना तो मत कैसे होगी उसके हमारे घर तक आने की।
बात का यकीन क्यों नहीं कर रहा? देखो, तुम भी अम्मा को समझाओ ना प्लीज। यानी आप चाहती हैं कि मैं अम्मा से झूठ बोलूं, उन्हें झूठी तसल्ली दूं कि उनकी बहू पारसा है? मैं अब भी उसे सहारा देने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कह रहे हैं हाशिम भाई? ठीक कह रहा हूँ मैं, यही एक तरीका है उसके पैरों में जंजीरें डालने का। बेचैन सवेरा है। मत रोए, आपके ये आंसू आपको मजीद गुनाहगार साबित कर रहे हैं। कौन सा गुनाह? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, कोई मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहा? देखो, अभी अम्मा को समझाओ ना प्लीज। मैं समझाऊं अम्मा? यानी आप चाहती हैं कि मैं अम्मा से झूठ बोलूं, उन्हें झूठी तसल्ली दूं कि उनकी बहू पारसा है? पर मैंने तो खुद आपको उस लड़के के साथ रेस्टोरेंट में देखा, तो मैं अम्मा से झूठ कैसे बोल सकता? किस चीज का यकीन दिलाऊं जबकि मेरा अपना एतमाद आप पर कायम नहीं रहा? जी अम्मा, आपने बुलाया? हाँ, सबा कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। वो तो अम्मा ऑफिस चली गई है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं समझी आपको बता कर गई, जैसे रोज जाती है, आपको बता कर नहीं गई वो? मुझे बहुत डर लग रहा है सारे। मैंने तो खानदान की इज्जत और भलाई के लिए तुम सबको सच्चाई बताई थी। न जाने अब सबा भाभी मेरे साथ क्या सुलूक करें, वो मुझसे बहुत नाराज है सारे। देखो समा, तुम्हें डरने या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। नहीं सारे, वो तो मुझसे पहले ही उखड़ी उखड़ी रहती हैं, अब तो मेरी पक्की दुश्मन बन जाएंगी वो। मैंने कहा ना तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सारे, तुम तो मुझसे नाराज नहीं हो ना? अरे मैं क्यों होने लगा तुमसे नाराज? तुम बस फिक्र ना करो, अपना ख्याल रखो। चलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूं। ऑफिस। हेलो अम्मा। अम्मा, अब सबा भाभी इस घर में नहीं रहेंगी, वो समझती है कि वो मुझे मेरे शौहर से छीन लेंगी, ये उनकी भूल है। जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया है। हेलो सबा, तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ। तो मेरे ख्याल से आज आपको डे ऑफ ले लेना चाहिए, घर पर रहते हैं, आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, थोड़ा फ्रेश ही हो जाती हैं, क्योंकि मुझे देखने में आप ठीक नहीं लग रहे।
हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या बदतमीजी है फारिस, मैं काम कर रही हूँ। आपकी तबीयत तो वाकई ठीक नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज डिस्टर्ब मत करें, मैं बहुत बिजी हूँ। ओके, मुझे तो लगा आप मुझे अवॉइड कर रही हैं। एनीवेज, करें अपना काम, हैव अ नाइस डे। कहा था ना उसे नौकरी की इजाजत ना दें। दो दिन के लिए मैं इस घर से क्या गया, सारा सिस्टम ही बदल गया। देख लिया मनमानी का नतीजा। आप अम्मा को क्यों कह रहे? इसलिए कि अम्मा ने ही उसकी जिम्मेदारी ली थी। बहुत यकीन था अम्मा को उस पर, उसने तो अम्मा का भी लिहाज नहीं किया। मैं उसको मजबूत देखना चाहती थी। जो लोग गैरों का सहारा लेते हैं ना अम्मा, वो कभी मजबूत नहीं होते। और खुद को खुद मुख्तार समझने वाली औरतें अंदर से बुजदिल होती हैं, जैसे आपकी सभा। हाशिम, मैं तो उसके भले के लिए कह रही थी। अम्मा, आप उन्हें मना कर, हम हैं उन दोनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए। ठीक है बेटा, मैं उसे समझा दूंगी। अच्छी तरह समझा दीजिएगा अम्मा, सभा जैसी औरतों को इज्जत कम ही रास आती है। मैं उसे सरपरस्त की सूरत में कबूल नहीं था, बाहर से लड़का है वो, सब कुछ हो गया उसके लिए। वो अलग बात थी बेटा। अरे कोई अलग अलग बात नहीं थी अम्मा, मैं उसे सहारा देना चाहता था, नहीं मानी वो। आपकी वजह से मैं खामोश रहा, जबकि। क्या जबकि? अगर आप कहें तो मैं अब भी उसे सहारा देने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कह रहे हैं हाशिम भाई? ठीक कह रहा हूँ मैं, यही एक तरीका है उसके पैरों में जंजीरें डालने का, वरना इस घर की इज्जत को रोन डालेगी वो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों सब घरवालों को मेरे खिलाफ कर रही हो? आखिर चाहती क्या हो तुम? मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी को आपके खिलाफ भड़काने की। आप अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते हैं? क्यों कर रही हैं आप ऐसे करतूत जिससे खानदान और इस घर की बदनामी हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानती हूं तुम सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो, सब घर वालों की नजरों में मुझे गिराना चाहती। मैं सब जानती हूँ, नौकरी के बहाने क्या गोल खिलाना चाहती हैं आप? कोई ऐसे तो अपनी गाड़ी में किसी को घर तक छोड़ने नहीं आता। यकीनन आप ही ने उस समय बहुत सुनी तुम्हारी फजूल बकवास। अब अगर आगे एक लफ्ज भी खाओ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? खाला, भाभी मुझसे लड़ रही है कि मैंने आप सबको इनके खिलाफ भड़काया है, धमका रही है मुझे। ये खाला से मेरा क्या कसूर है? सबा, तुम पागल तो नहीं हो रही? क्यों डांट रही हो इस बिचारी को? क्या कसूर किया इसने? ये बात समझने की कोशिश करें अम्मा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। समन झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पर, आप यकीन क्यों नहीं कर रही है मुझ पर? समन, तुम जाओ अपने कमरे, चलो। सबा, मैं कुछ समझना नहीं चाहती, मैं सिर्फ इतना जानती हूं तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, मेरे भरोसे को तोड़ा है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
बस है बेगाने। तुम्हें मेरी बात पर तो यकीन नहीं होगा ना, अपनी बहन को बहुत नेक, पारसा और शरीफ समझती हो। जाकर पूछो उसके ससुराल वालों से उसके करतूत। ऑफिस के लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ा है गुलछर्रे उड़ाते हुए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी बहन को, वो ऐसी नहीं है। बंद करो सभा के खिलाफ ये बकवास करना। मेरी बात पर यकीन नहीं है ना तुम्हें? उसके ससुराल में फोन करो, तब पता चल जाएगा। और जब वो उसे घर से निकालेंगे ना, तब तुम्हें यकीन आएगा। सभा पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है, जानती हूँ मैं उसे। तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकती। वक्त आने पर पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, जब तुम्हारी बहन के करतूत दुनिया के सामने आएंगे। फोन क्यों नहीं उठा रहे? हर शाखे मोहब्बत पर पतझर का पसेरा है, किरणों सा चलने को मेरी ही तरह कोई बेचैन सवेरा। मगर मुझ के झूठे आंसू बहाना बंद कर दे भाभी, आप पर कोई यकीन नहीं करेगा। अपनी मासूमियत से आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकती हैं। आपकी असलियत सब जान चुके हैं। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों मुझे सुकून से जीने नहीं देती तुम? क्यों झूठा इल्जाम लगा रही हो मुझ पे? सुकून तो आपने बर्बाद किया है हम सबका भाभी। आप माँ बेटे ने हम सबकी जिंदगी अजीरन बना दी है। आखिर आप चली क्यों नहीं जाती इस घर से भी और हमारी जिंदगी से भी? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बड़ी ढिटाई से आप इस घर में मौजूद हैं। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? जब मैंने कुछ मदद किया ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं यहाँ से? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, समझी? तो जाना तो आपको पड़ेगा भाभी, इस घर से भी और सारिन की जिंदगी से भी। कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता, कम से कम आप तो मेरा एतबार करें अकेला भाभी। मुझे समझ नहीं आ रही सभा कि मैं किस पर एतबार करूं। अम्मा पर, जिन्होंने अपनी आंखों से उस लड़के के साथ तुम्हें देखा है, या फिर तुम पर जो बिल्कुल उसके बरक्स बात कर रही है। मुझे नहीं पता सच क्या भाभी। अम्मा ने जो देखा वो सच था, लेकिन जिस तरह से उसे बयान किया जा रहा है वो गलत है। फारिस मुझे सिर्फ घर पर छोड़ने आया था, बस बस। जब वो तुम्हें गाड़ी में छोड़ने आया था, तुमने जरा नहीं सोचा कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? किस किस को जवाब देंगी अम्मा? अभी मेरी तबीयत खराब हो गई थी सिर्फ इसलिए। ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई थी सबा
कि तुम ऑटो या टैक्सी नहीं ले सकती थी। मैं नहीं कह रही कि तुम गलत हो, लेकिन लोग आंखों देखा पर यकीन रखते हैं। क्या क्या बातें कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे इस घर के बारे में। क्या सोच रही हैं आपा? सबा को अगर आपने घर से नहीं निकाला तो वो हम सबके लिए बदनामी का बायस बनेगी। अब फैसला आप ही करें। कैसी बातें कर रही हो बानो? सबा इस घर की इज्जत है, मैं उसे कैसे निकाल सकती हूँ? तो उससे कौन सी आपकी इज्जत का पास रखा है? नौकरी के बहाने रोजाना घर से निकल जाती है भर ढूंढने के लिए। बेबगी की जिंदगी गुजारना इज्जत के साथ हर औरत के बस की बात नहीं है आपा। ऐसे ही तो कोई गैर लड़का उसके पीछे यहां तक नहीं आ गया ना। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अम्मा समन कहाँ है? वो छत पे कपड़े सुखा रही है। अच्छा मैं देखता हूँ। खाला ने आपको बुलाया है, आपके ऑफिस ना जाने का फैसला हुआ है। ये फैसला मैं खुद करूंगी। तो ठीक है, मैं जाके खाला को बता देती हूँ कि आप अपने फैसले खुद करेंगी। समन, 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 समन मेरी बात सुनो, समन मेरी बात तो सुनो एक सेकंड। समन, 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 अम्मा, समन, अम्मा, मैं सारे, क्या हुआ? हाय, समन, अम्मा, हटो पीछे, हटो, छोड़ो मेरी बेटी को, सारे मेरा बच्चा, अरे, समन, क्या हुआ मेरे बच्चे? अम्मा, इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मैं खुद लेके जाऊंगी अपनी बेटी को हॉस्पिटल। अम्मा मेरा बच्चा। और अगर इसे कुछ हुआ, मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। उठो बेटा। इसलिए मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ना चाहती थी। वो सबा कमबख्त एक डाइन है, पहले अपने खसम को खा गई और अब मेरी बेटी की गोद उजाड़ दी उसने। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। सारे मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। अम्मा, सबा ने मेरे बच्चे को मार डाला। सबन क्या हो गया तुम्हें? प्लीज संभालो अपने आप को। सारे मैंने तुमसे कहा था ना, सबा मेरी दुश्मन बन गई है। मैंने उसे उस लड़के के साथ आते हुए देख लिया था, इसी बात का बदला लिया है उसने अम्मा मुझसे। वो हमारे बच्चे की कातिल है सारे, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। समन को उसने सीनों पे से धक्का दिया हमारी नजरों के सामने, लेकिन तुम सब लोग चुप रहे। अब मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं रहने दूंगी, ले जाऊंगी इसको अपने साथ। छोड़ दो इसका पीछा। आप कैसी बातें कर रहे हो? समन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? मैं इसे यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। अब तुम्हें फैसला करना है कि इस घर में समन रहेगी या सबा। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मेरा यकीन करें। मैं तो सिर्फ समन को रोकना चाहती थी, वो पता नहीं कैसे सीढ़ियों से गिर गई। मैं सोच भी नहीं सकती सबा कि तुम अपनी दुश्मनी इस तरह निकालोगी। समन मुझे कहती रही कि सबा मेरे साथ दुश्मनी रखती है, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी। मुझे क्या पता तुम्हारे दिल में क्या चल रहा था। खुदा के वास्ते अम्मा, कम से कम आप तो मेरा साथ दें। आपके अलावा है कौन मेरा इस दुनिया में? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बेहतर है तुम मेरी नजरों से दूर चली जाओ। जाओ यहां से। सुफियान, 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 बस कर दो अपना ये ड्रामा।
तुम जॉब की आड़ में अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहती हो, बस। आप होश में तो हैं हाशिम भाई? मैं बिल्कुल होश में हूँ। कहाँ रह गए? समन का फोन? शाख़े मोहब्बत पर पतझड़।